वडाला शांतिनगर में हुई मासूम बच्चे की मौत की 7 महीने बाद गुत्थी सुलझी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हमने आपको शांतिनगर का वीडियो दिखाया था मार्च महीने में, किस तरीके से एक मासूम की बेरहमी से मौत कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी बॉडी वहीं के खाड़ी में मिली थी, नाले में मिली थी, जिसके बाद में उसकी बॉडी पे मुंडी नहीं थी। इसके बाद में पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं के रहने वाला शिकारी, जो कि इस बच्चे के साथ में अनैतिक संबंध बनाया करता है, ऐसे सूत्र बताते हैं। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में पुलिस ने अपनी 8 टीम का गठन करके इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को 21 अगस्त को ये कामयाबी मिलती है और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पहले तो दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे। इसके बाद में आरोपी की पहचान करके उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद में एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आता है कि इस आरोपी को ज़रा भी पछतावा नहीं है। इसने खुद कोर्ट में कबूल कर दिया था कि उसने इस बच्चे की हत्या की है। सूत्रों द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार इस बच्चे की हत्या करने का कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये शिकारी इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाता था और इसे कई गे लोगों से मिलाने ले जाया करता था, जिसके बाद में इस बच्चे के दिल में कुछ डर आया और बच्चे ने उस शिकारी से कहा कि अब मैं इस पूरी बात अपने परिवार वाले को बता दूंगा। इस बात को छुपाने के लिए शिकारी ने इस बच्चे की हत्या कर दी और इलाके से फरार हो गया। पुलिस ने आखिरकार इस फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इस फरार आरोपी का पुराना रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार से है। इसने कुछ वर्ष पहले अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, जिसके बाद में कोर्ट ने इसे कन्विक्शन दिया था और ये पेरोल पे बाहर था। और इस तरीके की वारदात को लगातार अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर पुलिस से बचने के लिए लगातार कहीं पर भी छोटा मोटा कारोबार करता था और अपना जीवन बिताता था। हालांकि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है कि इसने और इस तरीके की कितने मासूम बच्चों की जान ली है या और भी किस तरीके की इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को देखते हुए DCP प्रशांत कदम ने क्या कुछ जानकारी दी, हम आपको वो सुनाते हैं। वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन में 85/2024 ये 363 का एक गुना रजिस्टर था, जिसमें जनवरी महीने में एक 12 साल का बच्चा मिसिंग हुआ, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन हमको मिला था। उसके अनुसंधान में हमने ये किडनैपिंग का गुना दाखिल हुआ था। आफ्टर 2 मंथ हमको इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि उस बच्चे का मर्डर हुआ है और जो जिसने मर्डर किया हुआ है वो आरोपी उनके एरिया में रहने वाला था। जब वो पुलिस के सामने लाने की लोगों ने कोशिश की तो यहाँ से भाग गया था और वो जम्मू कश्मीर से लेके 21 तारीख को वो दिल्ली आया था। हमको लोकल दिल्ली के इन्फॉर्मर ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, तब हमने दिल्ली पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट करवाया और फिर मुंबई जब लाया तो उसको 31 अभी अगस्त तक उसको पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने दिया है। इन द इन्वेस्टिगेशन उसने माननीय कोर्ट के सामने ये मर्डर किया हुआ ऐसा कबूली जवाब भी दिया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका जब बैकग्राउंड हमने चेक किया तो वो कन्विक्टेड आरोपी है कलकत्ता में, उसके वाइफ का उसने मर्डर किया था और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की शिक्षा हुई थी। वहाँ से वो पैरल जंप करके कलकत्ता से मुंबई भाग के आया था। इसकी कोई जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन अब हम कलकत्ता पुलिस के संपर्क में है और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हमारा होने के बाद हम कलकत्ता पुलिस को भी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखो, हमने 9 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम 9 राज्यों में जाके रुकी थी, ज़्यादा से जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में। 2-2, 3-3 महीने हमारे ऑफिसर्स वहाँ रुके थे, उनने पूरा वहाँ का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क शुरू किया था, उनको पूरा दिल्ली के हर मूवमेंट का पता था। आरोपी का बैकग्राउंड वो ऐसा था कि उसने पूर्वे
पुलिस की पूरी इन्फॉर्मेशन उसको पता थी, तो वो अपने आप को एकदम कैमोफ्लेज करके रखता था और पुलिस से कैसे बचे उसका पूरा नॉलेज उसको था। और इस तरह से वो कहीं छोटी छोटी जगह पे काम करता था। जब ये 21 तारीख को दिल्ली आया तो हमने दिल्ली पुलिस के माध्यम से इसको अरेस्ट करवाया। ये ओरिजिनल कलकत्ता का है, लेकिन जब मैक्सिमम उसने जो काम किया है वो पिम का काम करता था, वो दिल्ली और मध्य प्रदेश में किया है। और उसकी वाइफ भी उसके मर्डर के आरोप में उसको लाइफ लगी है।